डॉक्टर साहब, हर महीना रजोधर्म आने वाली महिला को एक महीना नहीं आने से उसको गर्भवती समझ सकते हैं? साधारण तौर पर किसी महिला, कोई भी महिला, उसको गर्भ आने से मेंसेस, माहवारी बंद हो जाता है, आएगा नहीं, स्टॉप हो जाते हैं। साधारण तौर पर जो जिनको तबीयत ठीक होती है उनको हर महीना माहवारी दिखता है, हर महीने उसको मेंसेस बोलते हैं, मेंसेस आता है रेगुलरली एवरी मंथ 28 डेज 30 डेज को माहवारी आती है, लेकिन जब गर्भ आएगा तो बंद हो जाएगा, माहवारी आएगा नहीं। इसलिए रेगुलर मेंसेस आने वाले महिला को वो विवाहित महिला को माहवारी स्टॉप होने से, बंद होने से, तब हमको प्रेगनेंसी को अच्छा उसके बारे में प्रेगनेंसी समझ सकते हैं। प्रेगनेंसी कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं रहेगा, प्रेगनेंसी आएगा नहीं, लेकिन माहवारी आता नहीं, ठीक पर आता नहीं, वो तो इरेगुलर होती है। इसलिए प्रेगनेंसी को एक साइन है, लेकिन वही साइन नहीं, एक संकेत है। हर महीना आने वाली माहवारी न आए तो हम प्रेगनेंसी समझ सकते हैं, गर्भ समझ सकते हैं, लेकिन वही दी साइन नहीं है। कैसे समझते हैं कंफर्मेशन, हम कैसे निर्धारण कर सकते हैं? उसके लिए जब माहवारी बंद हो जाता है तब उसको बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफ हार्मोन HCG बीटा HCG टेस्ट, ब्लड टेस्ट करने से वो तो अधिक हो जाते। साधारण तौर पर जिसको प्रेगनेंसी नहीं आता तब वो बीटा HCG केवल रीडिंग 5-10 होता है, लेकिन बीटा HCG 25 से अधिक हो तो, 25 रीडिंग से अधिक हो तो, वो तो हमको एक प्रकार का संकेत है कि प्रेगनेंसी है, गर्भ आ गया। लेकिन माहवारी बंद होने के बाद 2-3 दिन में, एक ही दिन में आपको बीटा HCG ब्लड टेस्ट करने से वो 200 से 700 तक बीच में वो रीडिंग होता है। 5-10 होने वाली बीटा HCG दैट नॉर्मल है, जब 200 वो तो आज 700 होने से हमको जरूर समझ सकते हैं उसको प्रेगनेंसी आई। बीटा HCG टेस्ट से हम कंफर्म कर सकते हैं, वैसे ही नहीं हमको अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग करने से भी, बहुत अल्ट्रासाउंड करने से 6-1.5 महीने में भी हमको आज समझ में आता। इसलिए पहले का कंफर्मेशन है थी बीटा HCG ब्लड टेस्ट करना, उससे हमको प्रेगनेंसी आया नहीं आप सकते, केवल महीना आना बंद होने से उससे हम कंफर्मेशन कर नहीं सकते। प्लीज डाउनलोड समरम मल्टी चैनल ऐप एंड वॉच योर फेवरेट चैनल्स फ्रॉम योर मोबाइल ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल्स। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल and activate the bell icon.